आप सीख सकेंगे किसी खास स्किल को। छात्र अपने मनपसंद विषयों में पढ़ाई भी कर पाएंगे। शिक्षा का अंग्रेजीकरण भी इसके जरिए खत्म करने का प्रयास हुआ। सेमेस्टर सिस्टम से एग्जाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेमेस्टर सिस्टम पूरी दुनिया में शायद इससे बड़ा परामर्श, विचार विमर्श कभी नहीं हुआ होगा। देश की युवा पीढ़ी कैसे पढ़ेगी, कैसे आगे बढ़ेगी, क्या होगी नए भारत की नई शिक्षा नीति? इंतजार खत्म हुआ और अब मोदी सरकार की नई शिक्षा नीति देश के सामने है। अब तक भारत की स्कूली शिक्षा व्यवस्था 10+2 फॉर्मेट पर आधारित थी, लेकिन अब इसे 5+3+3+4 के फॉर्मेट में बदल दिया गया है। इसके तहत स्कूल के पहले 5 वर्षों की पढ़ाई फाउंडेशन स्टेज मानी जाएगी। इसका करिकुलम NCERT द्वारा तैयार किया जाएगा। इसमें प्री प्राइमरी के 3 साल और पहली और दूसरी कक्षा का 1-1 साल शामिल होगा। साथ ही इन कक्षाओं के छात्रों पर किताबों का बोझ अब पहले जितना नहीं होगा। अगले 3 साल यानी तीसरी कक्षा से 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई के दौरान छात्रों को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। इसके तहत छात्रों का परिचय विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान और ह्यूमैनिटीज जैसे विषयों से कराया जाएगा। इसके अगले 3 साल मिडिल स्टेज माने जाएंगे। इसमें कक्षा 6 से 8 तक के छात्र शामिल होंगे। इसमें छात्रों को तय पाठ्यक्रम के मुताबिक पढ़ाया जाएगा। हर घर में शिक्षा का महत्व है, क्योंकि हर घर में कोई न कोई सीखता रहता है। लेकिन इस शिक्षा नीति में तो ज्ञान भी मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा, रोजगार की संभावनाएं बढ़ेगी, लेकिन उससे ज्यादा वो एक अच्छा इंसान बनेगा। नई शिक्षा नीति में इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि बच्चे सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि विषयों के बारे में गहरी समझ भी बनाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब स्कूलों में पहले जैसा स्ट्रीम सिस्टम नहीं होगा। यानी अगर आर्ट्स का कोई छात्र फिजिक्स की पढ़ाई करना चाहता है तो वो ऐसा कर पाएगा। हालांकि अभी इस पर पूरा स्पष्टीकरण आना बाकी है। 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही होगी। अंग्रेजी सिर्फ एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाई जाएगी। 6ठी कक्षा में पहुंचने के बाद छात्रों को कंप्यूटर कोडिंग सीखने का मौका भी मिलेगा। यानी अब भारत के छात्र चीन जैसे देशों की तर्ज पर छोटी उम्र में ही सॉफ्टवेयर और मोबाइल फोन एप्लीकेशंस बनाने की तकनीक सीख पाएंगे और 6ठी कक्षा से ही छात्रों को इंटर्नशिप का भी मौका मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये नए भारत की नई शिक्षा नीति है, न्यू इंडिया की न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। नई शिक्षा नीति का असर आप जानते हैं, देश के लगभग 26 करोड़ छात्रों पर पड़ेगा। इसीलिए अगर आप छात्र हैं या किसी छात्र के माता पिता हैं, तो आपको ये सारी जानकारियां आज नोट कर लेनी चाहिए, क्योंकि देशहित पाठशाला में जो जानकारी आज हम आपको देंगे वो आपके लिए बहुत जरूरी होगी। आपके भी मन में कई सवाल होंगे शिक्षा नीति को लेकर। सवाल होगा कि क्या 9वीं से लेकर 12वीं के छात्रों को सिर्फ फाइनल एग्जाम को ध्यान में रखकर तैयारी करनी हो? अमन, इसका जवाब है नहीं। छात्रों को साल भर पढ़ने की जरूरत होगी, साल भर, क्योंकि 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक की परीक्षाएं अब सेमेस्टर के आधार पर होंगी। साल में 2 सेमेस्टर होंगे और हर 6 महीने पर 1 परीक्षा होगी और दोनों सेमेस्टर्स के अंकों को जोड़कर आपकी फाइनल मार्कशीट तैयार की जाएगी। नोट कर लिया आपने? ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, नोट कर लीजिए तमाम जानकारी। अगला सवाल जो आपके जहन में होगा वो ये कि क्या बोर्ड परीक्षा दे रहे छात्रों को अपनी पसंद की भाषा चुनने की छूट क्या मिलने वाली? देखिए, सबके जहन में सवाल होगा ये, अब हम जवाब देने जा रहे हैं देशहित में। जी बिल्कुल, छात्र उनकी पसंद की भाषा में परीक्षा दे सकेंगे। उदाहरण के लिए अगर छात्र चाहता है कि वो हिंदी में परीक्षा दे तो उसे इसकी छूट होगी नई शिक्षा नीति के हिसाब से। अगला सवाल, क्या छात्रों का रिपोर्ट कार्ड पहले की तरह ही तैयार होगा या कुछ बदलाव होने वाला? नहीं, किसी छात्र को फाइनल मार्क्स देते समय पहले वाला पैटर्न नहीं होगा। अब उसके व्यवहार, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में उसके प्रदर्शन और मानसिक क्षमताओं का भी ध्यान रखा जाएगा। रिपोर्ट कार्ड को, मतलब आप समझिए, 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर तैयार किया जाएगा। इसमें छात्र खुद को भी अंक देंगे, छात्र खुद को भी अंक देंगे, समझ रहे हैं आप, विषय पढ़ाने वाले शिक्षक भी छात्र को अंक देंगे और छात्रों के जो सहपाठी हैं वो भी उनका आकलन करेंगे। इस हिसाब से रिपोर्ट कार्ड अब तैयार होगा। अगला सवाल जो आपके मन में होगा कि क्या कॉलेज के छात्रों के लिए भी इस नई शिक्षा नीति में कुछ बदलाव हो रहा है या सारे बदलाव सिर्फ स्कूल के लिए?
अब छात्र कॉलेज में एडमिशन के लिए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे पाएंगे। इसका मतलब यह है कि अगर बारहवीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम्स में आपके नंबर इतने अच्छे नहीं आए, फर्ज कीजिए आपके नंबर अच्छे नहीं आए, तो आपको कट ऑफ के आधार पर सीधे किसी कॉलेज में एडमिशन मिल पाए, तो आप कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट भी दे सकते हैं। और फिर इस टेस्ट में आपके प्रदर्शन को, आपकी परफॉर्मेंस को आपके बारहवीं कक्षा के नतीजों के साथ जोड़ दिया जाएगा और आधार पर आपको एडमिशन मिलेगा। अगला सवाल जो आप भी सोच रहे होंगे, क्या वैसे छात्र जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाएंगे उनका क्या होगा, जो पूरी नहीं कर पाएंगे ग्रेजुएशन की पढ़ाई? देखिए, नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अगर आप एक साल के बाद कॉलेज छोड़ देते हैं, फर्ज कीजिए एक साल के बाद कॉलेज आपने छोड़ दिया, तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जी हाँ, सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। इसी तरह अगर आप दो साल की पढ़ाई करके कॉलेज छोड़ देते हैं तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। सर्टिफिकेट एक साल में, दो साल में डिप्लोमा दिया जाएगा। और अगर आप तीन साल की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो फिर आपको बैचलर्स डिग्री दी जाएगी। और अगर आप चार साल का कोर्स करके बैचलर डिग्री लेना चाहते हैं तो आपको रिसर्च के सर्टिफिकेट के साथ ये डिग्री मिलेगी। चार साल पर रिसर्च के सर्टिफिकेट के साथ ये डिग्री, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री और रिसर्च सर्टिफिकेट के साथ, चार अंग। ये कॉलेज के छात्रों के लिए होने वाला बड़ा बदलाव है। सवाल आपके मन में ये भी होगा कि अगर छात्र एक से ज्यादा कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई नियम है क्या? देखिए, एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। इसके तहत अगर आप एक से ज्यादा कोर्स एक साथ करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर पाएंगे, और जिस कोर्स को आप जहां तक कंप्लीट करेंगे उसके अंक उस क्रेडिट बैंक में जमा हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिस कोर्स को आप जहां तक कंप्लीट कर पाएंगे उसके अंक उस क्रेडिट बैंक में जमा हो जाएंगे। फिर जब आप फाइनल डिग्री के लिए कोई कोर्स करेंगे तो इस क्रेडिट को उसमें जोड़ दिया जाएगा। ये पूरी तरह से डिजिटल और ऑनलाइन होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि नई शिक्षा नीति से जुड़ा कोई सवाल अब कम से कम आपके जहन में ये देशहित की पाठशाला देखने के बाद अब नहीं होगा। चलिए, आपने शिक्षा नीति को समझ लिया। आज का दिन बहुत खास है। आज से एक साल पहले इतिहास बना था जब मोदी सरकार ने ट्रिपल तलाक कानून को बनाया और इसे लोकसभा से भारी बहुमत से और राज्यसभा से बहुमत से पास करवाया था। और 1 अगस्त को राष्ट्रपति ने इस कानून को मंजूरी, और देश के करोड़ों मुस्लिम महिलाएं ट्रिपल तलाक की बेड़ियों से आजाद हुई थी। आप समझिए, डर का अंत हुआ था। और थोड़ी देर पहले हमने केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से बात की, जिन्होंने लगातार ट्रिपल तलाक कानून को खत्म करने के लिए मुहिम चलाई थी।